ऐसी स्थिति में यह बड़ व्यवस्था का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये दोनों व्यवस्थाएं केवल लूट की व्यवस्था है, इसलिए इसको खत्म होना चाहिए। ताकि अगर आदमी को इज्जत मिले और मौका मिले बराबरी का, तो कोई भी कुछ भी कर सकता, तब योग्यता का पता होता। गांधी जी जब लंदन में थे और तो वहां पे कहा गया है कि काले लोग और कुत्ते और भारतीय लोग का प्रवेश वर्जित। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रंट पेज इंडिया में। मेरा नाम मधु श्रीवास्तव है और आज मैं एक बहुत ही खास मुद्दे पे एक खास शख्स के साथ बातचीत करने वाली हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर लेनिन रघुवंशी। वो हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूँ कि लेनिन जी जो हैं वो दलित राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर ऑफ पीपल विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स पाए हैं, बहुत सारा सम्मान पाया है अपने काम के लिए, बहुत ही सराहा गया है उनको। और उनको जो अवार्ड्स मिले हैं उनमें से कुछ अवार्ड्स जो हैं मैं आपको बताना चाहूँगी, जिनमें से एक है ग्वेंजियो ह्यूमन राइट्स अवार्ड जो उनको 2007 में मिला था, फिर करमवीर महारत्न अवार्ड, द SCHA स्टार पीस अवार्ड और पब्लिक पीस प्राइज। तो आइए चलिए चलते हैं, डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रंट पेज इंडिया में। आज जो हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जो उन जो उनका जो उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हम उसके बारे में पहले हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, स्टार्ट करना चाहेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था होती है उसमें क्या आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, वर्ण व्यवस्था के बारे में पहला वर्णन जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है और उस पुरुष सूक्त में ये कहा कि जो है कि जो सर से जो है ब्रह्मा पैदा होते हैं और इस इलाके से क्षत्रिय और वैश्य और फिर नीचे शूद्र। पर सबसे बड़ी बात थी कि जो अगर उसको देखे जो है तो लोग कहते हैं काम के हिसाब से बंटवारा था, परंतु सवाल है कि दिमाग को सबसे ज्यादा श्रेष्ठता देना और जो श्रम जो शारीरिक श्रम है को मानसिक श्रम से छोटा समझना, जो ये पूंजीवाद और सामंतवाद की जो सबसे बड़ी बुराई थी, इसलिए वर्ण व्यवस्था भी बहुत खतरनाक बात थी। परंतु उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उसी ऋग्वेद में लोकायत ने जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से सशक्त विरोध किया जो है, और विरोध करके कहा कि नहीं जो है मतलब सब लोग बराबर हैं। जाति व्यवस्था जो है वो क्या हुआ कि अब सवाल है कि 15% लोग 85 को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे जो मनुस्मृति है उसमें पूरी महिलाएं जो है शूद्र है, तो हर महिला शूद्र है, चाहे ऊंची जात में हो, गरीब जात में हो, या दलित हो, आदिवासी हो, सभी महिला को शूद्र कहा। और शूद्रों को पढ़ने का और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अब सवाल है कि जब आपके पास पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, तो आपको मौके नहीं मिलेंगे। मौके जब आपको नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? दूसरों के गुलाम रहेंगे और कुछ लोग मालिक रहेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था, दोनों व्यवस्थाओं ने एक्चुअली क्या किया है, लोगों को कुछ लोगों को द्विजों को और द्विज के पुरुषों को जो है एक तरह मालिक बनाया है और लोगों को जो है गुलाम बनाने की प्रक्रिया रही। अब इतना गुलाम बनाना है तो उसको श्रेणीबद्ध करना है, तो आपको लाना पड़ेगा कि बहुत चालाकी से व्यवस्था बनानी होगी, ओबीसी बनाना होगा, SC बनाना होगा, तब आप चीजें कर सकते हैं। परंतु जो लोग भाग गए जंगलों में तो आदिवासी हो गए, और जो यहां पर आ गया वो शूद्र और अति शूद्र हो गए। तो जाति व्यवस्था एक्चुअली जो है और ज्यादा संगठित तरीके से उसको स्थापित करने के लिए किया गया। और ये सीधे सीधे ये है कि कुछ लोग जो है उत्पादन कर रहे हैं और कुछ लोग उत्पादन का आनंद के मालिक बने हुए बिना कोई मेहनत किए हुए, तो श्रम की महत्ता खत्म हो गई, ये सब चीजें खत्म हो गई। इसलिए जितने भी जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चले, आध्यात्मिक आंदोलन जैसे कबीर साहब का, रैदास जी का, सेन नाई का, तो इन लोगों ने श्रम की महत्ता को स्थापित किया जो है, मतलब क्योंकि श्रम की महत्ता को इन्होंने खत्म कर दिया जो है। जो सर्विसेज सामंतवाद जाति व्यवस्था ने जिनका कोई मूल्य नहीं था, आज सबसे ज्यादा पैसा सर्विसेज में है, नव उदारवादी जो है मतलब जब आर्थिक व्यवस्था आ रही है। तो ये दोनों एक है और दोनों ही मतलब जो है इंसानियत के खिलाफ बहुत खतरनाक है
और केवल ये था कि वर्ण व्यवस्था एक जमाने में गांधी जी और ये लोग भी वर्ण व्यवस्था की बात करते थे कि आज भी आप कह सकते हैं, पर मैं तो एक बात सीधे सीधे कहता हूं कि हर आदमी पढ़ाई लिखाई करता है तो ठीक है, होगा ब्राह्मण होगा उसके अंदर भी गुण होगा, हर आदमी अपने रक्षा करता है या किसी और की भी रक्षा करने में लगा रहता है तो क्षत्रिय होगा, अगर हर आदमी बिजनेस करता है पैसा तो रखता है, हर आदमी अपना रखता है वैश्य भी होगा, और कितना भी कोई काम नहीं करते होंगे। मैं बड़े निकृष्टता के साथ कभी कभी बनारसी लहजे में कहता हूं कि सुबह सुबह एक ऐसा काम आप जो वो है करते हैं जिसके लिए आपने कोई नौकर नहीं रखा होगा, तो ऐसी स्थिति में ये वर्ण व्यवस्था का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये दोनों व्यवस्थाएं केवल लूट की व्यवस्था है, इसलिए इसको खत्म होना चाहिए और इसी के साथ पितृसत्ता को भी खत्म होना चाहिए। जब आप वर्ण व्यवस्था की खिलाफत करते हैं, जब जात व्यवस्था की खिलाफत करते हैं तो पितृसत्ता की खिलाफत भी उसमें शामिल है, क्योंकि सबसे पहले औरतों को ही गुलाम बनाया गया, फिर इंसानों को के जो पुरुष थे उनको गुलाम बनाया गया औरतों के साथ। लोगों को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के प्रति, तो वो कैसे चेंज हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि ये बर्ताव बहुत ही अमानवीय है, पहले ये समझने की जरूरत होनी चाहिए कि किसी भी इंसान के साथ अगर ये बर्ताव होगा, और शायद इसके लिए मैं लोगों को बताना चाहूँ कि जब जवाहरलाल नेहरू और ये लोग जब गांधी जी जब लंदन में थे और तो वहाँ पे कहा गया है कि काले लोग और कुत्ते और भारतीय लोग का प्रवेश वर्जित, तो उनको बहुत बुरा लगा और बगावत की। तो सवाल है कि हम एक इंसान को जिसको प्रकृति ने बनाया है या जो लोग ईश्वरवादी है वो मानते हैं ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर की बनाई चीज या प्रकृति की एक बनाई हुई चीज कैसे कमतर हो सकती है? और हमारा देखिए क्या था कि मैं आपको आश्चर्य की बात बता रहा हूं कि मैं तो जात व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो गया, परंतु सब जात व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना बहुत आसान काम है, परंतु औरतों के खिलाफ जो भेदभाव खड़ा होना वो सबसे मुश्किल काम है। ये मैं 15 साल पहले उससे मुक्त हुआ हूँ, तो मैं अपनी मुक्ति का आधार देखता हूं कि मैं कैसे मुक्त हुआ हूं। पर एक चीज मुझे बहुत प्रभावित की, 1998 में एक कल्पू जी आए, और कल्पू जी हॉलैंड के अच्छे खासे अमीर आदमी हैं, वो गिरमिटिया मजदूर होके गए थे, तो हमको लगा कि यादव होंगे, वहां जब हम पहुंचे तो पता चला कि वो शेड्यूल कास्ट के आदमी है, और मेरा दिमाग घूम गया। और तब मुझे लगा कि अगर आदमी को इज्जत मिले और मौका मिले बराबरी का तो कोई भी कुछ भी कर सकता, तब योग्यता का पता होता। योग्यता माने, योग्यता एक फर्जी चीज है, योग्यता कुछ नहीं होता, सवाल है कि किसको कैसा मौका मिला है और किसको कैसा जो है इज्जत इज्जत मिली है। क्योंकि अगर आपको इज्जत नहीं दी गई और आपको शुरू से ही दबा दिया गया और आपकी एकदम चुप्पी की संस्कृति है, आप बोल नहीं पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत लूज है, तो कैसी चीजें होंगी? और एक इसलिए हमको बर्ताव को दूर करने के लिए समझना पड़ेगा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये अमानवीय है, अगर ये और जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तो ये 85% लोग जो है इनको तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अहिंसावादी मिल गए, उनका गांधी जी के साथ संवाद और विवाद था, परंतु अगर इन्होंने कहीं रिटेलिएशन करना शुरू किया, जैसे कि हार्वर्ड फास्ट ने आदि विद्रोही एक लिखा है कि और ये लगे मारकाट करने, तब क्या होगा? जो है इनकी संख्या 85% है, 15% के साथ कहें कि हम भी वही काम 3000 साल से करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें ऊंची जातियों को, मेरे जैसे ऊंची जातियों को, औरतों के साथ और जो लोग तथा कथित नीची जात में, कोई जाति वाति तो एक तो मानना नहीं चाहिए और कोई भी नीचा नहीं होता, सब बराबर है, उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए और जो है अपने जो थोड़े बहुत संसाधन है उसमें उनपे खर्च करना चाहिए जो है। और जो लोग को आरक्षण मिल गया है, आरक्षण के मैं एकदम पक्ष में हूं, क्योंकि आरक्षण चाहिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी आरक्षण जो है मतलब लोकसभा में और विधानसभा में मिलना चाहिए, और साथ साथ जो है ये जो आरक्षण जिनको मिला है वो समुदाय के नाम पे मिला है तो उनको अपने समुदाय पे भी कुछ खर्च करना चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल दलित में ललित हो गए और उनका ख्याल नहीं देख पा रहे जो गाँव में है, जो भोग रहे हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है, तो हमको अपने पूरे विचार को कि हम जो भी हमने जो शेयर है हमारा वो हम लोगों को शेयर कर सके और उसकी केयर कर सके, ये सबको सोचना चाहिए। और साथ ही साथ जो है ऊंची जात के लोगों को अगर इंसान बनना है जो है, तो आपको खुद बता दें कि महिलाओं के साथ और जो है दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ क्षमा याचना शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो उम्र हो जाएगी 40 साल, समझ में आएगा आप
डी पैट्रियार्कल होंगे और तब तक पता चला जिंदगी के आपके अच्छे दिन घर चले गए और जिंदगी में केवल जो एक संकीर्ण मानसिकता में आप जीते रहे और पता आखिरी समय पछताते रह गए। तो ऐसी स्थितियां जो है न पैदा हो, इसलिए मैं उनके लिए भी अच्छा कह रहा हूं कि वो मानसिक रूप से अगर उनको जीवन में आनंद लेना है, चीजें लेना है और उनकी आने वाली अगली पीढ़ियां किसी हिंसा के शिकार ना हो, तो मेरा केवल उसी जात के लोगों से, पैदा लोगों से है कि वो महिलाओं के साथ और दलितों के साथ, आदिवासियों के और पिछड़ों के साथ क्षमा याचना करें और जो है फ्रेटर्निटी को बढ़ाए, उनके न्याय की प्रक्रिया में मदद करें, उनको भी मौका दे जो है। और दलित लोग और आदिवासियों से यह है कि आप इस क्षमा याचना में उनकी मदद करें और साथ साथ जो है आरक्षण के खिलाफ मत कीजिए, सभी को रोजगार का संघर्ष करिए और सभी के रोजगार के संघर्ष को एक साथ मिला करके करेंगे तब जाके मानसिकता बदलेगी। किसी को नीचा समझना, किसी को ऊंचा समझना यह अवैज्ञानिक अमानवीय आधार है कि किसी का रंग कुछ है तो उससे वो बहुत नीचे दिमाग का होगा और ये ऊंचे दिमाग का होगा, ये सोचना ही श्रेष्ठता का भाव के सोचना कि कुछ लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं या कर्म से भी श्रेष्ठ हैं, आप बहुत महान काम करते होंगे परंतु जो है हर आदमी का महत्व है जो है, और ये समझना बहुत जरूरी है। सर आपके हिसाब से आप जो कह रहे हैं कि जो आरक्षण है वो होना चाहिए सही है, तो इससे कहीं ना कहीं अनजस्ट नहीं हो रहा है जो जनरल लोग के, मतलब जो ऊंची जाति के लोग हैं उनमें आजकल काफी? देखिए वो मैं आपको बताऊं आरक्षण क्यों होना चाहिए। देखिए जात पहले आई कि आरक्षण, जात व्यवस्था आई, औरतों के साथ भेदभाव आया, आप खत्म कर दीजिए आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम जैसे लोग औरतों से जो है कहेंगे और दलितों से कहेंगे, पिछड़ों से कहेंगे, भैया आप जो है जात व्यवस्था खत्म हो गई, शादी विवाह हो रहा है, रोटी और बेटी का रिश्ता हो गया, आपको हक हकूक मिल गया, आप आरक्षण खत्म कर दीजिए। इसलिए क्या है कि पहले जो लोग आरक्षण के खिलाफ है वो जात व्यवस्था खत्म करने में लगे जो है। अब आप कह रहे हैं, वो कहेंगे कि हम क्यों, हम पैदा हो गए, हमारी क्या गलती है? तो भाई आप पैदा हो गए तो आपको मौका मिला ना, ये जो जमीन मिली। एक तरफ राहुल गांधी का इसलिए विरोध की जो है मतलब वो डायनेस्टी में पैदा हुए हैं, परंतु आप जरा सोचिए ना कि जो जमीन के मालिक आप हुए आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? आपने उसको मेहनत से पैदा किया था? आप जो घर के मालिक हो गए आपने मेहनत से पैदा किया था? ये इसलिए कि आप जो है एक लड़की बेचारी चली गई अपने दूसरी जगह, उसको इसलिए हक नहीं मिला जो लड़की है पितृसत्ता में, और जो है दलित को इसलिए नहीं मिला जो उसने 3000 साल से लूट के नहीं रखा। आप कहीं ना कहीं लूट के रखे हैं, व्यवस्था आपकी थी, आपके पक्ष में थी, और एकलव्य का अंगूठा काटा गया है, द्रोणाचार्य ने काटा है, मौका मिला तो एकलव्य कोई अर्जुन से कम नहीं था। सवाल है कि सब बराबर हो गया तब कंपटीशन बराबर होगा, और इसके लिए जरूरी है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों के बीच में संवाद और विवाद होना चाहिए, शास्त्रार्थ होना चाहिए, क्षमा याचना होनी चाहिए, और दलितों को और आदिवासियों को कहना चाहिए कि देखिए भाई आप आरक्षण के समर्थन में खड़े होइए हमें जब तक है, और हम जो है रोजगार का मौलिक अधिकार लागू हो इसके लिए खड़े होंगे। अगर शिक्षा मुफ्त हो जाए, स्वास्थ्य की सुविधा सबको मिलने लगे और रोजगार जो है मतलब का अधिकार मौलिक हो जाए कि रोजगारी बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, क्या बात रहेगा, क्या क्या लड़ाई रहेगी? रोजगारी कम हो रहे हैं यहाँ पे, सब रोजगार गायब हो रहे हैं जो है। तो ऐसी स्थितियों में जो है हमारा मानना है कि आरक्षण, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस है औरतों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, और ये पूरी दुनिया में अमेरिका के अंदर भी इनको हिस्टोरिकल अनजस्टिस लोगों को आरक्षण देना पड़ता है क्योंकि हमारे मनोविज्ञान में है। जब मेरे जैसा आदमी जो बचपन से एक कम्युनिस्ट पिता और गांधीवादी दादा द्वारा मतलब पैदा मतलब पाले पोसे गए हैं, और उसके बाद हम जो है मतलब हमको 1998 में लगता है कि कल्पू जो आए तो ये ओबीसी होंगे, हम ये सोच ही नहीं सकते कि 80 भी जो है इतना आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारे जैसे जो कह रहा है कि बहुत चीजों से मुक्त हो रहा था उसके दिमाग में है, इसका फुटप्रिंट बहुत स्ट्रांग है हमारे दिमाग में, इसलिए आरक्षण होना जरूरी है। इसलिए जो पैनल में भी दलित का होना जरूरी है, नहीं औरतों का होना जरूरी है, यह क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब किसी के साथ SC ST का मान लीजिए फर्जी मुकदमा हो गया, या किसी के साथ औरत ने फर्जी कर दिया, कौन से मामले में फर्जी नहीं हो रहा है दुनिया में? तो आप 302 भी फर्जी हो रहा है तो हटा देंगे आप? ऐसा कहीं नहीं। सवाल है कि फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन हो, आरक्षण रहे, फेयर एंड फ्री स्पीडी ट्रायल्स चले जो है चीजों को लेके, चीजें तय हो जाएंगी। और जब बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं
कष्ट तो होता ही है, काटा गड़ा है, निकाला जा रहा है तो दुख तो होगा ही। अब जो है थोड़ा बहुत तो 3,000 साल उन्होंने पीला सही है, है औरतों ने 5,000 साल पीला सही है, तो कुछ तो जो है मतलब आपको वो करना पड़ेगा। अब उसको आप जो है मतलब तत्कालिक पीला ले रहे हैं, है एक और लड़की को जो है मतलब उसका घर की मालकी वो इसलिए नहीं हो सकती कि पितृसत्ता थी, बेटा इसलिए हो सकता है, कौन सा क्वालिफिकेशन है, खाली बेटा हो जाने का क्वालिफिकेशन है जो है, तो वो ठीक तरीका नहीं है। इसलिए आरक्षण होना चाहिए और रोजगार का अधिकार सबको मिले और हम लोग जो है जेंडर न्यूट्रल होना सीखे, जो है जेंडर न्यूट्रल होना सीखे, कास्ट न्यूट्रल होना सीखे जो है, परंतु जो है रियल डायग्नोसिस से भागे ना, बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट नहीं होगा। डायग्नोसिस यह है कि औरतों के साथ, दलितों और आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है और उसको खत्म करने के लिए कम से कम मेरा मानना है कि अभी 200 साल तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक आखिरी आदमी जो गांधी जी ने कहा था वो उसके घर में एकाक रोजगार में पहुंच जाए, उसके घर में लोग उस टोले में कोई IAS और IPS और कोई बड़ा अफसर न बन जाए, तब तक मुझे लगता है कि आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए। और हिस्टोरिकली जो है मार्जिनलाइज लोगों को आरक्षण देना चाहिए, जैसे मेरे संगठन ने दलितों और आदिवासियों के लिए काम करता है, हमारे यहाँ भूमिहीन ब्राह्मणों के लिए जो है स्कॉलरशिप में और रोजगार में आरक्षण है, क्योंकि हम लोगों के 100% दलित और OBC पाते हैं जो है, तो हम लोगों ने उनके लिए भी आरक्षण रखा। और ये बात दलित लोगों ने हमारे संगठन के अंदर कहा कि भूमिहीन ब्राह्मणों की बड़ी हालत खराब है, हमें उनको भी मदद करनी चाहिए। ये बात किसी अपर कास्ट ने नहीं कहा, तो PVCHR जो हमारा संगठन है उसमें तो उनके लिए भी आरक्षण है स्कॉलरशिप और इसमें, तो वो हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट में कॉग्निटिव और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को देख के किया जाता है। जो है आरक्षण एक टूल्स है हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड लोगों को मौका देने का, ये एक साइंटिफिक तरीका है।